1 दिसंबर 2022 वो तिथि जब भारत के G20 अध्यक्षता का सफर प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में कितने ही पड़ाव आए, कितनी ही उपलब्धियां अर्जित की गईं, कितने ही आयाम जुड़ते चले गए। इन्हें 4 पुस्तकों में समेटने, सहेजने, संकलित करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिलीज किया जाएगा और रिलीज होने के कुछ ही मिनटों बाद ये G20 मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगी। पहली पुस्तक है द ग्रैंड सक्सेस ऑफ G20 भारत प्रेसिडेंसी, विजनरी लीडरशिप, इंक्लूसिव अप्रोच। ये पुस्तक इस तस्वीर को उकेरती है कि कैसे भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और समावेशी दृष्टिकोण ने इसे आकार दिया। इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी की अप्रोच, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का विजन, जन भागीदारी की पहल इसके महत्वपूर्ण आयाम रहे। दूसरी पुस्तक इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस इज अ कैप्टिवेटिंग कॉफी टेबल बुक ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के द्वारा अपने अपने कार्य समूह का नेतृत्व करते हुए लिखे गए लेखों के माध्यम से ये पुस्तक भारत की अध्यक्षता का सार प्रस्तुत करती है। तीसरी पुस्तक कंपेंडियम ऑफ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, एंगेजिंग यंग माइंड्स। ये कंपेंडियम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो लेक्चर सीरीज और स्टूडेंट एक्टिविटीज आयोजित की गई उनके बारे में जानकारी देती है। और चौथी पुस्तक है शोकेसिंग इंडिया कल्चर एट G20, भारत की अध्यक्षता में G20 के दौरान विश्व को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पुनः परिचित होने का मौका मिला, इसका अवसर मिला। और ICCR ने देश भर में 60 से अधिक स्थानों पर 17,000 से अधिक कलाकारों को शामिल करते हुए 300 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये ई कॉफी टेबल बुक भारतीय संस्कृति की इसी विविधता को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया मंच पर पधारें। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर सबसे पहले इन 4 पुस्तकों का लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देश के युवा आज आपको सुनने को आतुर है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर अनुनय करती हूँ, कृपया अपने प्रेरणादायक वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी।